हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने सेकेंड चैप्टर जो देखा था मैथ्स का, लास्ट वीडियो में हमने पांच सम्स देखे थे। एक्सरसाइज 2.1 में हमने पांच सम्स कवर किए थे। और चैप्टर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जो चैप्टर का नाम है इसका मतलब क्या है ये देखा था। जहाँ पर हमने वेरिएबल का मतलब देखा था कि कोई भी अल्फाबेट यूज किया हो, ए टू जेड तक कोई भी अल्फाबेट अगर यूज किया है कोई इक्वेशन में, हम उसे बोलेंगे वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, वो जो वेरिएबल यूज किया है, जैसे यहाँ पर एक्स यूज किया है, तो ये एक्स के ऊपर जो पावर होनी चाहिए ना, एक्स के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो वन की होनी चाहिए। अगर वो टू की हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये चैप्टर में तो हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन देखनी है। अब वन वेरिएबल मतलब क्या, ठीक है, ये चैप्टर लास्ट हमने वीडियो में देखा था। वन वेरिएबल मतलब अगर कोई एक इक्वेशन दी हुई है, सपोज ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें अगर x ही यूज किया है, कोई भी अल्फाबेट है, यहाँ पर सपोज x यूज किया, तो यहाँ दोनों तरफ इक्वेशन के ये जो इक्वल टू के साइन है, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। अगर एक तरफ x है दूसरी तरफ y है तो वो वन वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब समझा था कि इज इक्वल टू के जो साइन है उस दोनों उस वो बीच में इज इक्वल टू के साइन है उसके दोनों तरफ कुछ नंबर्स और कुछ वेरिएबल्स हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। लास्ट में हमने फिफ्थ सम देखा था। आज हम इस वीडियो में सिक्स्थ सम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कल का याद हो तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई एक लीनियर इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है तो वो कैसे होगी, पहले तो मुझे लाइक टर्म्स एक तरफ लेके आने हैं। लाइक टर्म्स जो है, जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर के साथ एक्स है और दूसरे इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू के साइन है, अगर इस साइड एक नंबर के साथ एक्स है, सेम कोई एक दूसरा नंबर है जिसके साथ यहाँ पर एक्स है, ठीक है, यहाँ पर सपोज 8x है और यहाँ पर 5x है, तो मुझे ये दोनों टर्म्स को, ये दोनों क्या हुए, सिमिलर हुए, लाइक टर्म्स हुए, तो दोनों को एक तरफ लेके जाना है, आइदर अ साइड, या तो 8x को मैं उधर लेके जाऊंगी या तो मैं 5x को उधर लेके जाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है, ठीक है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ लेके जाएंगे और जो नंबर बचते हैं, सपोज यहाँ पर +9 दिया है और यहाँ पर दिया हो 3-, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर +9 दिया है और यहाँ 3- दिया होगा, तो क्या करना है, अब ना कि n के साथ कोई वेरिएबल है और ना ही 3 के साथ कोई वेरिएबल है, दोनों के साथ वेरिएबल नहीं है, दोनों अकेले न्यूमेरिक है, तो दोनों को एक तरफ लेके जाएंगे, पर जिस साइड x जाएगा उस साइड ये नंबर्स नहीं जाएंगे, ठीक है, नंबर्स एक तरफ और वेरिएबल के साथ नंबर्स एक तरफ। अगर फर्स्ट सिक्स्थ वाला देखें तो उसमें 8x+4 ये हमारा LHS है और ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा RHS है, ओके। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, 8x+4 ये तो एज इट इज ही रहेगा, पहले मुझे क्या करना है, ये 3 और उसके साथ x-1 ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, पहले मुझे ये सॉल्व करना है। अब ये मैं अगर याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी यही करना है, 3 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, वहां एडिशन था यहाँ सब्ट्रैक्शन है, क्या करूंगी, 3 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी और 3 को 1 के साथ भी, ये 3 को x के साथ और 3 को 1 के साथ, तो जब मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 3x और 3 को 1 से करूंगी तो -3। अब यहाँ पर जो मिडल में जो साइन होगी वही नंबर से पहले लगेगी, वहां पर अगर प्लस होता तो नीचे प्लस आता, अभी जो 7 है वो तो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि 8x+4 यहाँ पर मैंने लिखा 8x+4 ये लिखा, उसको मेरे को फिलहाल अभी ऐसे ही रहने देना है, पहले हम ये जो आया इसे सॉल्व करेंगे। अभी आएगा 3x, इसको भी मैंने एज इट इज नीचे रखा, अब इसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस होता है, अब मैं यहाँ लिखूंगी 7-3 करेंगे 4 आएगा, 7-3 मैंने किया 4 आया। अब देखेंगे कि बड़े नंबर पे, यहाँ पर 7 बड़ा नंबर है, कि बड़े नंबर पे कौन सी साइन है, यहाँ पर बड़े नंबर पे प्लस की साइन है, तो 4 के साथ नीचे वाले में प्लस की साइन आएगी। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब एक रूल है या एक बेसिक थिंग है याद रखना कि अगर LHS, जैसे ये तो क्वेश्चन में ये LHS था और ये पोर्शन RHS था, लेकिन अब जो हमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम सब जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो मिलेगी
ठीक है, एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो एलएचएस और आरएचएस पे हमें ये नहीं रखना है, ये वाली जो इक्वेशन मिली हमें, ये वाली नॉर्मल एक इक्वेशन मिली, उस पे हमें एक्स की वैल्यू रखनी। हम ऊपर भी रखेंगे नो डाउट आंसर तो वही आएगा, बट अगर इजी करना है सम को तो हम ये वाली इक्वेशन पे एक्स की वैल्यू रखेंगे। अब अगर इसे सॉल्व करें तो कैसे होगा, जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल के साथ वेरिएबल लेके आना है, मतलब यहाँ पर 8x के साथ 3x आएगा। अब 3x इज इक्वल टू के उस तरफ माइनस प्लस में है, तो इस तरफ आके वो माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू। अब यहाँ पर प्लस 4 जो है वो नीचे आएगा तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी, वो प्लस का प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस 4 है इस तरफ इज इक्वल टू के साथ, इज इक्वल टू के इस तरफ, मतलब 8x के साथ जो प्लस 4 है अगर वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 8 माइनस 3 5, और जो वेरिएबल दिया हो 5x, अब इज इक्वल टू 4 माइनस 4 दैट इज 0, ये हो जाएगा 0। अब x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 0/5, मतलब 0, मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। अब मुझे क्या करना है, LHS और RHS पे, LHS और RHS पे ये जो इक्वेशन है वो रख के देखनी है, जहां पर ये जो पोर्शन है वो है LHS। LHS पे मैं क्या रखूंगी, 8x+4, जहां पर 8x+4 हमारा LHS है, जहां पर मुझे x पे अब 0 रखना है, मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। अब मैं यहाँ पर x पे 0 रखूंगी और यहाँ प्लस 4 हो जाएगा। जब मैं कोई नंबर का मल्टीप्लाई 0 से करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। मतलब मेरा जो LHS है, मेरा जो LHS है, जब मैंने सॉल्व किया, मैंने x की वैल्यू जब रखी तो मेरा LHS क्या आया, 4 आया। अब RHS पे रखेंगे, RHS पे क्या रखेंगे, ये वाला 3x+4 मैंने यहाँ पर रखा, RHS इज इक्वल टू 3x+4। अब यहाँ पर x पे कौन सी वैल्यू रखनी है, 0, जो हमें x पे वैल्यू मिली, प्लस 4 हो जाएगा। अब 3 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0+4 अगेन मेरा आंसर क्या आया, 0 आया, मतलब सॉरी 0+4 हो जाएगा 4, 0+4 4। तो यहाँ पर मेरे LHS और RHS दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर मेरा LHS जो है और RHS दोनों क्या आया, इक्वल आया। तो ये था सिक्स्थ सम। अब सेवेंथ सम जो टेक्स्ट बुक में दिया है, सेवेंथ सम देखें। अब सेवेंथ सम देखते हैं, सेवेंथ सम में क्या होगा, हमें पहले मैंने जैसे बोला कि एक्स को एक तरफ लेना है, वेरिएबल को एक तरफ लेना है और जो नंबर बचे उसे दूसरी तरफ लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया 3x-1, सेम हमें ये वाला सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले ये जो 5 है ना, इज इक्वल टू के इस तरफ नीचे है 5, मतलब 5 डिवाइड में है, उसके ऊपर ये 4 है, ये 5 जो है ना ये डिवाइड में है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे एकदम इजी वे में से सॉल्व करना है तो मैं 5 को इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगी, लेकिन वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 जब उधर जाएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 5x। ये 5 जब उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा। सेम यहाँ पर करना है, ये जो 5 है इसको मैं x के साथ लेके जाऊंगी, ये 5 को x के पास लेके जाऊंगी तो वो हो जाएगा 5x, ठीक है। यहाँ पर जो डिवाइड में है, जो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, अगर ऐसा याद ना रहता है तो मैंने कल बताया था सिंपल, कि अगर कोई चीज कोई नंबर नीचे है इज इक्वल टू के उस तरफ जाके ऊपर हो जाएगा, अगर उधर ऊपर है तो इधर आके नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मुझे 5x मिल गया, 5x मिल गया। अब यहाँ पर मेरे पास बचा 4x+10, 4x+10, 5 तो मेरा उधर चला गया x के पास। अब 5x को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, ये इज इक्वल टू की साइन। अब 4 को, जैसे यहाँ पर हमने 3 को x के साथ भी मल्टीप्लाई किया था और 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया था, सेम 4 को मुझे x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को मुझे 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4x+40, ओके 4x+40, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4x, और 4 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 40। अब यहाँ पर अगर देखें
ये 4x और 5x सिमिलर है, क्यों है? दोनों के पास वेरिएबल है, तो दोनों को एक तरफ लेके आ जाते हैं। मैं 5x तो एज इट इज लिखूंगी, 4 को मैं 5 के पास लेके आऊंगी, तो वो कैसे होगा? -4x, क्योंकि इस तरफ 4 जो था वो प्लस में था, तो 5x -4x इज इक्वल टू 40। ये 40 में कोई चेंज नहीं होगा, जो प्लस में था नीचे आके वो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि हम उसकी प्लेस को चेंज नहीं कर रहे। ये याद रखना, अगर मैं किसी की प्लेस को चेंज करूं, मैं किसी की प्लेस को चेंज करूं, देन ओनली मेरी साइन चेंज होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 की प्लेस को ही चेंज कर दिया, मतलब मैं उसको दूसरी तरफ लेके गई, तब मेरी साइन चेंज हुई। पर 40 तो उसी तरफ है ना, 40 की थोड़ी ना मैंने प्लेस चेंज की, तो 40 की साइन चेंज नहीं होगी। अब मैं 5 को 4 में से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो 1x लिखो या सिर्फ x लिखो, बात एक ही है। मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 40, मेरा x का आंसर क्या आया? 40 आया। अब क्या करना है मुझे, चेक करना है रिजल्ट LHS और RHS, LHS और RHS। ओके, तो अब ये कैसे चेक होगा? यहाँ पर रख के देखें, अब इसमें तो हमें यही रखना पड़ेगा, यहाँ पर रख के देते हैं। अगर LHS देखिए तो यहाँ पर जो हमारा LHS है ना वो ऑलरेडी एक्स है, ठीक है? तो LHS जो है वो हमारा ऑलरेडी एक्स है, तो यहाँ पर तो कोई साइन कुछ चेंज ही नहीं करना है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो है एक्स की वैल्यू क्या है, 40 है, ठीक है? यहाँ पर जो हमें मिली एक्स की वैल्यू क्या मिली, 40 मिली, तो LHS तो मुझे 40 मिल गए। अब मुझे फाइंड करना है RHS। RHS में यहाँ पर 4/5 और यहाँ आ जाएगा एक्स की, जब ये जो एक्स है एक्स प्लस 10, ठीक है, 4/5 एक्स प्लस 10, अब ये हो जाएगा 4/5, यह आ जाएगा 40 प्लस 10। एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली थी, 40 मिली थी। पहले मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, ये जो मुझे ब्रैकेट मिला इसे मैं सॉल्व करूंगी। तो जब मैं 40 प्लस 5, 40, ये 4/5 तो सेम रख दूंगी नीचे, अब 40 प्लस 10 करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 50, ठीक है? 40 प्लस 10 50। अब मुझे कटिंग करनी, 5 वन जा एंड 5 टेन जा, 5 वन जा एंड 5 टेन जा, तो अब ये 4 और ये 10 बचा। जब मैं 4 × 10 करूंगी, ठीक है, 4 × 10 तो मेरा आंसर आएगा 40। यहां पर भी मेरा LHS और RHS इक्वल आया, तो नीचे लिखेंगे कि देयर फॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर भी मेरा LHS और RHS सेम आया, दोनों का आंसर क्या आया, 40 आया। अब जो नेक्स्ट सम है, दैट इज 8, जो नेक्स्ट सम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर नीचे है ना डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो डरना नहीं है, बस हमें LCM निकालना है। पहले देखिए, अगर यहाँ पर x x है दोनों तरफ है, ठीक है, वेरिएबल के साथ कोई नंबर है, तो पहले दोनों को एक तरफ कर देते हैं। जैसे करेंगे कि 2x/3, ठीक है, ये जो था वो तो नीचे रख दिया। अब जो 7x है ना, 7x/15, 7x/15 है, उस तरफ है, 7 के साथ x है और डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 15 है, ठीक है, तो वो इस तरफ आएगा। अगर इज इक्वल टू किस तरफ, मतलब RHS से अगर कोई चीज LHS पे आ रही है, ठीक है, या LHS से कोई उस तरफ जा रही है, प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। अब 7x/15 प्लस में था, इस तरफ आके वो माइनस हो जाए। मैंने यहाँ लिखा -7x/15, अब इज इक्वल टू ये 3, 3 की तो मैंने कोई प्लेस चेंज नहीं की, तो उसकी साइन भी चेंज नहीं होगी। अब ये 3 को मैंने एज इट इज रखा, अब यहां से 1 जाएगा, ये जो 1 है ना ये 1 उधर जाएगा, RHS की तरफ जाएगा, तो अगर यहाँ +1 है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 - 1। अब सॉल्व करते, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो क्या होगा, 15 और 3 का LCM लेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पर करके देख, 15 और 3 का मैं क्या ले रही हूँ, LCM ले रही हूँ, तो मैंने पहले 3 की टेबल चलाई, 3 वन जा और 3 5 जा। अब यहाँ पर कौन सी टेबल चलेगी, 5 की, 5 वन जा और ये 1 आ जाएगा, तो मुझे इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब अब मुझे जो 3 और 5 का LCM मिला वो क्या मिला, 15 मिला। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मुझे LCM क्या मिला, 15 मिला। तो क्या करना है, याद है हमने पहले स्टैंडर्ड में किया था, 7th स्टैंडर्ड में, कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है, मुझे नीचे डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो कब सेम बनेगा,
यहाँ तो 3 है, चलो यहाँ पे मान लिया 15 है, मुझे नीचे डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। यहाँ तो मान लिया 15 है, यहाँ तो 3 है, अब मैं 3 को 15 कब बनाऊंगी? 3 को 15, 12 ऐड तो करेंगे नहीं, तो 3 को 15 कैसे बनेगा? कब बनेगा? जब मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर 5 और ये 15 है, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ 15 है वहां तो 1 ही रहेगा। अब ये जो 5 और 1 मिला ना, ये 5 और 1, इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे हम करेंगे 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो नंबर आया ना, इसे हमें न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यूमेरेटर से। तो जब मैं 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? 10x। 5 को मैंने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। अब माइनस, बीच में तो माइनस की साइन है, साइन थोड़ी ना चेंज होगी। अब ये 1 × 7 करेंगे, 7x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7x, और डिवाइड बाय जो मेरा एलसीएम आया, मेरा एलसीएम क्या आया था? 15 आया था। अब 3 − 1, ये जो था ना, इसको नीचे लेके आएंगे, 3 − 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे? चलो पहले मैंने माना 10 को 7 में से माइनस कर दिया, जो यहाँ पर जो कर रहे थे ना, 8x − 3x किया, चलो माइनस कर दिया, तो 10 − 7 3, और ये x आ जाएगा। अब ये 15 जो ठहरा वहां, उसका क्या करूंगी मैं? ये जो 15 ठहरा मेरे पास, उसका क्या करूंगी? तो इसका ऐसा होगा कि यहाँ 15 नीचे है, ठीक है, याद है, बताया था कि इज इक्वल टू के उस तरफ अगर मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, तो 15 अगर इधर डिवाइड में है उस तरफ, इज इक्वल टू के उस तरफ में अगर लेके जाऊंगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर ऐसा याद ना रहता हो तो, अगर यहाँ पर कोई चीज नीचे है तो उस तरफ जाके वो ऊपर हो जाएगी, अगर वो ऊपर है तो इस तरफ जाके नीचे। तो अगर मैं 15 को उधर लेके जाऊं, ये 3x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 15। 15 को क्या किया मैंने? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे यहाँ मिला 3x इज इक्वल टू, 15 × 2 करेंगे तो आंसर आएगा 30। अब x की वैल्यू क्या मिलेगी? याद रखना, ये 3 इधर क्या है? ऊपर है, उस तरफ क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो 30 / 3, 30 को जब 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया? 10 आया, ठीक है, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 10 मिली। 3 × 1 = 3, 10 समझ आया। अब जैसे हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिली, अब मुझे क्या करना है? LHS और RHS करना है। अब LHS पे इस तरफ अगर देखें, LHS पे ये इस तरफ देखें तो क्या है? 2x / 3 + 1, ये हमारा जो है दैट इज एल एच एस। तो क्या करूंगी? 2x / 3 + 1, मतलब x पे अब मुझे क्या रखना है? 10 रखना है, जो मुझे x की वैल्यू मिली। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू क्या मिली? 10 मिली, तो मुझे अब x पे 10 रखना है। यहाँ 2, यहाँ × 10 + 1 / 3। 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 से तो हो जाएगा 20/3 और +1। अब यहाँ पर भी एलसीएम होगा, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा? एलसीएम होगा, यहां पर भी क्या होगा? एलसीएम होगा। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब मुझे यहाँ पर 3, 3 और 1 का एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर हमने 3 और 15 का एलसीएम निकाला था, राइट, यहाँ पर हमने 3 और 15 का एलसीएम निकाला था, सेम मुझे यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम निकालना है। तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 रहेगा। अब मुझे यहाँ पर 3 रखना है, ओवरऑल इस पूरे पे मेरे को 3 रखना है। यहाँ तो चलो मान लिया 3 है, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर क्या है? 1 है, तो मुझे 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब 1 को मैं न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 को, जैसे यहाँ पर हमने 5 को न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x आया, वैसे ही 1 को मुझे न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर न्यूमेरेटर जो है वो है 20, तो क्या आ जाएगा? 20, ठीक है, 20 + ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ये 3 न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 / 3। नीचे मुझे क्या रखना था? 3 और 1 का एलसीएम क्या आया? 3 आया, तो मैं नीचे 3 रखूंगी। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा 23/3, ठीक है, मेरा एलएचएस का आंसर क्या आया? 23/3 आया। अब आरएचएस सॉल्व करके देखते हैं। आरएचएस में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 7x / 15 + 3,
ठीक है, ये मेरा आर एच एस है। जैसे यहाँ पर हमने एक्स की जगह पर, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स की जगह पर 10 रखा, ठीक है, वैसे ही अभी सेम, यहाँ 7 और यहाँ हम 10 रखेंगे, डिवाइड बाय 15 प्लस 3 हो गया। अब 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, मेरा आंसर है 17 बाय 15 प्लस 3। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, अब 15 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा, तो अब 15 को 15 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आया। तो अब जब 1 जब न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 70, और 15 जब 3 से मतलब न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 45। 70 प्लस 45 डिवाइड बाय 15, ठीक है, 17 70 प्लस 45 बाय 15। अब इसका आंसर आएगा 115 डिवाइड बाय 15। अब ये किससे कट होगा, ये कट होगा 5 की टेबल से, 115 बाय 15, मेरा क्या आया 115 बाय 15 ये आया, तो मैं सिर्फ 5 की टेबल से कट करूंगी, ये हो जाएगा 5 थ्रीजा, ठीक है, और ये हो जाएगा 20 थ्रीजा, कैसे होगा, ये मेरा आंसर आया 115, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 टू जा 10 और ये नीचे 15, तो ये 3 और ये 15, तो ये क्या आया 23, मतलब इसका भी मेरा आंसर आया 23 बाय 3, ठीक है। एल एच एस और आर एच एस ये वाले सम में भी क्या ये इक्वल है, जैसे अभी हमने, जैसे हमने एट सम देखा लास्ट, अब एक्सरसाइज के दो लास्ट सम है, 9th और 10th, अब हम ये देखेंगे, जैसे 9th हम देखें तो उसमें क्या दिया है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब यहाँ पर भी जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ करेंगे, जो अनलाइक टर्म्स है उनको एक तरफ, अब ये जो 2y है ये तो इधर ही रहेगा, अब ये माइनस वाई है ना, माइनस वाई वो इनके साथ नहीं है, वो डिफरेंट अलग दिया हुआ है, तो ये वाई इधर माइनस में है, इज इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस वाई, 2y प्लस वाई हो जाएगा। अब ये 26/3, ठीक है, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है, 5/3 को उस तरफ लेके जाएंगे, 5/3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5/3 माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो प्लस में था। 2y प्लस वाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3y आएगा, ठीक है, यहाँ y के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3y आएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर ना सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें उसमें एलसीएम निकालने की कोई नीड नहीं है, जब डिनोमिनेटर हमारा अलग होता है ना, जब डिनोमिनेटर हमारा अलग होता है तभी हमें एलसीएम निकालना है, यहाँ पर तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे, 26 माइनस 5 तो क्या आएगा आंसर, 21/3, ठीक है, यहाँ माइनस की साइन है, माइनस करेंगे 26 माइनस 5 तो क्या आएगा 21, और डिनोमिनेटर में 3 आएगा। अब यहाँ पर जो 3 है ना, यहाँ पर जो 3 है तो ये नीचे है, मैं उस तरफ लेके जाती हूँ, उसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऐसा नहीं भी तो हम क्या करेंगे, एकदम इजी, वाई को इस तरफ रखते हैं, 21/3, अब यहाँ पर जो वाई के साथ 3 है ना, वाई के साथ 3 है उसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगी, जो वाई के साथ 3 है ना मैं उसको इधर लेके जाती हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ तो एकदम इजी, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ जो 3 के वाई के साथ जो 3 है वो ऊपर है, इस तरफ आके वो नीचे हो जाएगा, इस तरफ आके वो नीचे आ जाएगा, तो 3 × 3, ओके, यहाँ पर इधर था अब यहाँ पर नीचे आ जाएगा, अब 21/3 मैं इधर 3 से कट करूं इसको, 3 1 जा और 3 7 जा, तो मेरा वाई का आंसर क्या आया, 7/3, 7/3 आया मेरा वाई का आंसर। अब एलएचएस और आरएचएस, तो एलएचएस देखें, यहाँ पर एलएचएस क्या है, यहाँ पर ही यह एलएचएस दिया हुआ है, ओके, तो 2y + 5/3 ये मेरा एल एच एस है, यहाँ पर एल एच एस है मेरा 2y + 5/3। अब इसे सॉल्व करें, वाई की जगह में क्या रखूंगी, 7/3 रखूंगी, वाई की जगह में क्या रखूंगी, जो मुझे वैल्यू मिली जो है 7/3, यहाँ प्लस हो जाएगा 5/3, वो तो सेम ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये केस में यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई कर, यहाँ हो जाएगा 14 + 5, यह होल हो जाएगा 3, ठीक है, ये होल क्या हो जाएगा, 3
हो जाएगा। अब 14 + 5 दैट इज 29/3। क्या आया आंसर? 29/3। ये मेरे LHS का आंसर आया। अब RHS देखें, RHS क्या दिया हुआ है? 26/3 - y, 26/3 - y, ओके। अब 26/3 तो सेम रहेगा, y पे मैं क्या रखूंगी? 7/3। y पे मैं 7/3 रखूंगी। अब ये कैसे सॉल्व होगा? जैसे हमने इसे सॉल्व किया था, दोनों में हमारा डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पर भी दोनों में मेरा डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो 26 को जब मैं 7 से माइनस करूंगी, 26 को जब मैं 7 से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पर 19 आंसर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आंसर? 14 + 5 करेंगे तो 19/3। अब 26 को जब 7 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 19, और ये नीचे डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी therefore LHS is equal to RHS, कि यहाँ पर मेरे दोनों क्या है? इक्वल है। मेरा LHS भी 19/3 आया और RHS भी क्या आया? 19/3। अब लास्ट सम देखे, एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट सम। अब इसमें ये तो सबसे इजी सम है, ओके। इसमें क्या करना है? ये 5m के साथ 8/5 नहीं दिया है, 5m अकेला है, बीच में माइनस की साइन है, देन 8/5 दिया है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो 5m है वो प्लस में है, ये 3m को एज इट इज रख देते हैं। यहाँ 5m जो है वो प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट? इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 5m ये माइनस में हुआ। अब इज इक्वल टू -8/5। अब माइनस 8 बाय ऊपर भी था, -8/5 नीचे भी। अब ऐसा नहीं है कि वहां माइनस की साइन है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि अगर सिर्फ ऊपर से नीचे लेके आ रहे तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी। अब 3m - 5m तो क्या आ जाएगा? 2m। पर अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर 5 बड़ा नंबर है, 5 जो है वो लार्जर नंबर है, तो अभी 5 की साइन इधर कौन सी है? माइनस की है, तो यहाँ -2m हो जाएगा। -2m इज इक्वल टू -8/5, ओके। अब हम मैं क्या करूंगी, ये माइनस एम तो वही रहेगा। अब करेंगे कि 2 जो है ना, ये 2 ये इधर ऊपर है, इस तरफ जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो क्या करेंगे? -8/5 × 2, मतलब यहाँ पर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके वो डिवाइड में हो जाएगी। अब कट करें, 2 × 1 = 4 और ये 4 हो जाएगा, ओके। तो -m = -4/5। अब क्या याद रखना, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ भी माइनस है और इस तरफ, तो वो क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। तो मुझे देयरफॉर m की वैल्यू क्या मिली? 4/5 मिली। m की वैल्यू मुझे क्या मिली? 4/5। तो अब यही चीज मुझे LHS पे भी रखनी है और RHS भी। यहाँ पर LHS 3m है और RHS जो है वो पूरा ये 5m - 8/5, ये मेरा RHS है। अगर देखें LHS इज इक्वल टू 3m, अब m पे मेरी क्या वैल्यू आएगी? 4/5 आएगी, जो मुझे m की वैल्यू मिली। क्या मिली? 4/5। तो क्या आएगा? 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आंसर आएगा? 12, 12/5। ये मेरा आंसर आया 3 × 4, 12, और 5 का 5 नीचे आ गया, तो ये मेरा LHS का आंसर आया। अब RHS देखें, RHS पे यहाँ क्या दिया हुआ है? 5m - 8/5। अब यहाँ पर m की जगह क्या लिखेंगे? 4/5 लिखेंगे। m की जगह हम क्या लिखेंगे? m की जगह लिखेंगे जो मेरा आंसर आया, 4/5। अब ये -8/5 वो तो एज इट इज रहेगा। जब मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आंसर आता है? 20। 5 4 = 5 4 = क्या आएगा? 20 आंसर आएगा, 20/5, ओके। अब ये -8/5। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें कोई एलसीएम नहीं निकालना है, यहाँ पर भी मेरा दोनों सेम है, 5 5 है, ओके। अब जब मैं 20 को -8 करूंगी, 20 में से 8 कम कर दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 12/5 आएगा। यहाँ पर भी इन दिस केस ऑल्सो मेरा LHS किसके इक्वल आया? RHS के। तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS, समझ आया? तो जैसे आज हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की, अब नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट एक्सरसाइज है। थैंक यू।